हम सीता के सुधली ने बिना नहीं जाए युवराज प्रवीणा। साथियों, जनक नंदनी का सुख लिए बिना हम वापस भी नहीं जाएंगे। अंगद कहलो जन भरी बारी, दो प्रकार से मित्र हमारी, यहाँ न सीता। अरे यार, बरसों का भूखा प्यासा हूँ, भर पेट में भोजन आया है, कृष्णा ने आया अनुग्रह कर, तब एक साथ भिजवाया है, दो चार निमस में आकर के दस बीस घास कर जाता हूँ, भागो मत बैठे रहो वहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। साथियों, डर पे गीत वचन सुनकारा, अब भाव मरण सत्य हम जाना। अब हम लोग दोनों तरफ से मारे जाएंगे, भाग कर वापस जाते हैं तो महाराज सुग्रीव प्राण दंड देंगे, नहीं जाते हैं तो जंगली जंतु का ग्रास बन जाएंगे, दोनों तरफ से मरना ही है। अतः अंगद विचार मनमाही, जिसने जनक नंदनी के हरण के समय अपने प्राणों की आहुति दे डाली। साथियों, धन्य जटायु हुआ, खगपति में वो सर्वोत्तम है, अपने प्राणों की बलि दे दी, अनुपम की बलि भी अनुपम है, भौतिक शरीर को कर समाप्त उसने परमार्थ कमाया है, इस ओर परम पद पाया है, उस ओर परम यश पाया है, कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, उपकार हेतु उन दिनों वही वो गिद्धराज हरि शरण हुआ। धन्य था गिद्धराज जटायु, जिसने जाते जाते प्रभु का कार्य किया और हम लोग नाहक ही मारे जाएंगे। धन्य था जटायु, धन्य हो गया। सुने खड़ियो, तुम लोग हमें बताओ किस प्रकार की बात कर रहे हो, कहाँ रह रहा था? कुछ समय पहले की बात है, किसी निश्चर के द्वारा कौशल की रानी सीता का हरण हुआ, जनक नंदनी को न ले जाने के जटायु ने राक्षस से युद्ध किया और उसी में मारा गया। हम लोग जनक नंदनी को ढूंढ रहे हैं। सुन संपात, क्योंकि संपाति मैं हूँ और जटायु मेरा भाई है, पहले उसको नंदनी दे दूँ, फिर उसके बाद में स्वतंत्र से केवल भाग्य से मैं आप लोगों की सहायता करूँगा, क्योंकि मैं सहायता करने वाला हूँ नहीं। आपको कौन बुलाएगा?